आज का वरदान बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। आइए इस वरदान का स्वरूप बने। ओम शांति। भ्रुकुटी के मध्य ज्ञान के तीसरे नेत्र को अनुभव करें। अब तक मैं आत्मा देहभानवश इन चर्म चक्षुओं से इस संपूर्ण सृष्टि को विभिन्न परिस्थितियों को देखती आई, वर्तमान को देखकर हर निर्णय लेती आई और क्या क्यों कब कहां इन प्रश्नों में मन और बुद्धि को उलझाती रही, पर अब समय बदल गया है। स्वयं कालों का काल महाकाल परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर मुझे वर्तमान समय का बोध कराने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देने मुझे त्रिकालदर्शी बनाने इस सृष्टि पर आए हैं। महसूस करें स्वयं ज्ञान सुर है शिव बाबा। अपनी ज्ञान रश्मियों से मुझे इस बेहद सृष्टि को देखने का ज्ञान युक्त दृष्टिकोण दे रहे हैं। अब मैं विनाशी देह को नहीं अपितु अविनाशी आत्मा को ही देखती हूं। अब मैं केवल वर्तमान को नहीं अपितु भूत और भविष्य को भी देखकर निर्णय लेती हूं। महसूस करें अपने ज्ञानी तो आत्मा स्वरूप को जो मुझे हर स्थूल कर्म में छिपे हुए सूक्ष्म भाव को स्पष्ट दिखा रहा है। मुझे हर बुराई में छिपी हुई अच्छाई दिखा रहा है। महसूस करें अब मैं किसी भी व्यक्ति को
उसके बाह्य कर्मों के आधार पर। जज नहीं करते अपितु हर आत्मा के आदि अनादि स्वरूप को देख। उसके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रहम की भावना रखते हो। अब मुझे कीचड़ में छिपा हुआ कमल स्पष्ट नजर आता है। अंधेरी रात में भी मैं आने वाले दिन का सूर्य स्पष्ट अनुभव कर लेती हूँ। हर तूफान में छिपे हुए तोहफे को देख लेती हूँ। हर कोयले की खान में चमकता हुआ हीरा परख लेती हूँ। फील करें ये ईश्वरीय दृष्टिकोण जो मुझे बुराई में भी बुराई को देखने नहीं देता। मैं हर बात में अच्छाई ढूंढ ही लेती हूँ। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी विघ्न उत्पन्न करे परंतु मैं उसे भी अपना टीचर समझकर उससे पाठ पढ़ लेती हूँ। अब मन में कोई प्रश्न नहीं। भविष्य का कोई भय नहीं क्या? क्योंकि कोई हलचल नहीं, क्योंकि मैं जान गई हूं कि हर बात में कल्याण छिपा है। सुप्रीम रचयिता के रचे हुए इस ड्रामा में जो हो रहा है, जो होगा और जो हुआ था, सब अच्छा ही अच्छा है। महसूस करें ड्रामा पर ये मेरा अटल अखंड निश्चय। ये मेरी निश्चय बुद्धि स्थिति मुझे बेफिक्र बादशाह बना रही है। ओम शांति।